दोस्तों आपको सीधे सीधे दो तीन छोटे छोटे शेर से जोड़ता हूँ कि अर्ज किया है कि मिस्रा ये है कि कौन कहता है ये लोग मेरे हैं, दुनिया है साहब सारे लोग अकेले होते हैं, और जो ये दावे हैं जो खोखलेबाजी है कि हम आपके हैं, लेकिन हकीकत क्या है तब पढ़ता हूँ कि कौन कहता है ये लोग मेरे हैं, दुनिया है सब लोग अकेले हैं, ये अपनापन बस एक दिखावा है, ये अपनापन बस एक दिखावा है, दुनिया है सब कुछ छलावा है। और साहब झूठ की दुनिया हो गई, सुबह से शाम तक हम लोग न जाने कितने झूठ बोलते हैं। फोन आया, किसी ने पूछा कहाँ हो, घर पे सोए रहेंगे, कहेंगे हॉस्पिटल में है। फिर फोन आएगा, पूछेंगे कहाँ है, बाजार में खड़े होंगे, कहेंगे हम ऑफिस निकल आए। फिर कोई फ़ोन करेगा बोल पूछेगा कहाँ है, कहेंगे कि मैं तो घर जा रहा हूँ। तो इस तरह के झूठ हैं, झूठ इतने हो गए कि अब झूठ और सच का फर्क करना मुश्किल है। लोग झूठ बोलने को पाप भी नहीं समझते। तब कहता हूँ कि कुछ अपने तो कुछ गए ठहरे हैं, कुछ अपने तो कुछ गए ठहरे हैं, झूठ के जाने कितने चेहरे हैं। कुछ अपने तो कुछ गए ठहरे हैं, झूठ के जाने कितने चेहरे हैं, अब अपने कहे पर भी विश्वास नहीं होता, अब अपने कहे पर भी विश्वास नहीं होता, बिना झूठ के यहाँ कोई बात नहीं होता, बिना झूठ के यहाँ कोई बात नहीं होता। और एक शेर जो मैंने लिखा, नकाबों की दुनिया है और हर चेहरे के न जाने कितने चेहरे हैं, एक ही व्यक्ति जो कहीं पति है, कहीं बेटा है, कहीं बॉस है, कहीं पिता है, कहीं भाई है। तब पढ़ता हूँ, मिला है जो मुझसे मिलकर अब तक मिला नहीं, लोग पूछते रहते हैं इतने खुश क्यों हो, क्या बात है कभी रोते हुए नहीं देखा, अगर जवाब ठीक लगे तो बताना। मिला है जो मुझसे मिलकर अब तक मिला नहीं, हंसता रहा हूँ इसलिए रोने का शब्द कहीं सुना नहीं, मिला है जो मुझसे मिलकर अब तक मिला नहीं, हंसता रहा हूँ इसलिए रोने का शब्द कहीं सुना नहीं, मेरे चेहरे पे एक चेहरा चढ़ा है, मेरे चेहरे पे कई चेहरा चढ़ा है, खुद से भी नहीं मिलता ये शख्स इतना छिपा है। और एक प्रार्थना, जो कोई भी साधु है, जो कोई भी समाज के लिए सोचता है, वो अगर समाज के लिए सोचने वाला व्यक्ति जब भगवान से मांगेगा तो क्या मांगेगा, तब एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। आया हूँ तेरे दर पे कुछ कहने, आया हूँ तेरे दर पे कुछ कहने, मेरी बातों को वो आवाज़ बना दे, आया हूँ तेरे दर पे कुछ कहने, मेरी बातों को वो आवाज़ बना दे, इसे तू हर दिल की फरियाद बना दे, कुछ यूँ राहों को आशा करना सिखा दे, कुछ यूँ राहों को आशा करना सिखा दे, वो कला दे जो हैवानों को इंसा बना दे, वो कला दे जो हैवानों को इंसा बना दे। और मैंने एक कविता लिखी कोरोना पे, वो कोरोना वाली कविता आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो एक कविता आपके बीच, माँ संपूर्ण विश्व आपातकाल से ढक गया, संपूर्ण विश्व आपातकाल से ढक गया, बीमारी आई आदमी आदमी से बच गया, संपूर्ण विश्व आपातकाल से ढक गया, बीमारी आई आदमी आदमी से बच गया, कुछ दिन तक लोग खौफ में जिए, कुछ दिन तक लोग खौफ में जिए, सारे काम धाम बंद किए, कुछ दिन तक लोग खौफ में जिए, सारे काम धाम बंद किए, घर में भी हुआ आपस में बंटवारा था, दो गज दूरी का नारा था, घर में भी हुआ आपस में बंटवारा था, दो गज दूरी का नारा था, फिर धीरे धीरे मौत के खौफ पर भूख ने फतह पाई, फिर धीरे धीरे मौत के खौफ पर भूख ने फतह पाई, लोगों को काम की याद आई, उचित सुरक्षा के साथ काम करना सबको मान्य है, उचित सुरक्षा के साथ काम करना सबको मान्य है, स्थिति पहले से थोड़ी सामान्य है, उम्मीद है जल्द ही कोरोना का निदान होगा, उम्मीद है जल्द ही कोरोना का निदान होगा, सबसे मिलना जुलना फिर आसान होगा, सबसे मिलना जुलना फिर आसान होगा। धन्यवाद।